ये गोबर के कंडे हैं, ऐसे मिलते हैं मार्केट में, अवेलेबल है। तो आज इससे पहले तो हम इनको भिगा देते हैं थोड़े से पानी में, फिर इसके आज सूंड मार लेंगे। तो पानी में अच्छे से भीग जाएगा तो एक एक टिक्की निकालनी है। अब गांव में तो क्या गोबर वगैरह मिल जाता है, तो यहाँ पे भी मिल जाता है, ऐसे तो काम चल जाता है। तो सुबह के लिए नाश्ता बन गया है, उपमा बनाया है, थोड़ा सूख जाए पानी, सब्जी तैयार है। टिमली और आलू मिक्स बनाया है और नाश्ता और टिफिन के लिए। मिनट और लगेगा, थोड़ा पानी सूख जाए, जैसे भी भीग जाए ना, फिर मैं इसे टिक्की निकालूंगी। फिर ये इसका हो जाए तो फिर हम उसे वाइट सीमेंट से ना इसकी ऐसा पुताई कर देंगे, ऐसे गोल गोल, ऐसे उनको वाइट सीमेंट से ऐसे पूरे दरवाजों पे, घर के परिंडा में, किचन में, मंदिर में, बाहर दरवाजे पे, मेन डोर पे, मतलब जितने भी डोर है ना वहाँ पे पुताई करनी रहती है। तो बस अभी वही काम करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ। एग्जैक्ट 1:08 हो रहा है, तो चलिए जो भी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप आप सब खुश हैं, सब हैप्पी हैं। तो चलिए, आशीष और उसके पापा तो गए ऑफिस, टिफिन भी सुबह का सब मेरा खाना भी बन गया है। मैं अभी मंदिर जाके आई हूँ, अभी सुबह के बज रहे 10:15 होता है ना, दरवाजों को पहले वो कर लेती हूँ, फिर चाय बना के फिर चाय पीती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तो ऐसे हमारे जितने भी हमारे घर के दरवाजा है, दरवाजे पे दिया है और रसोई में लगाना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पहले लगा के आपको बताती हूँ। एक ऐसे पानी, दूसरा पानी का परिंदा मंदिर में है, ये चाहे वॉशरूम हो या कुछ भी हो, बेडरूम में, किचन में, यहाँ पे मतलब दोनों साइड जो भी दरवाजा होगा ना, आपको दोनों साइड लगाना है। जैसे एक बिंदी लगानी है, बस ऐसे बिंदी लगानी है। फिर बिंदी लगने के बाद में उसको भी सूख जाएगा ना, फिर दोपहर को मैं उसको व्हाइट सीमेंट से उसको ऐसे लिपाई बोलते हैं ना, पूतना बोलते हैं, ऐसे कलर करते हैं जैसे, बस उसको वो करना है। फिर शाम को मैं सूंड बोलते हैं उनको, ऐसे जैसे डिजाइन करते हैं ना, ऐसे मोर फ्लावर वगैरह ऐसे कुछ भी, तो वो दरवाजे को फ्लावर का सब डिजाइन बनाएंगे। और फिर कल पूरा खाना बना के, हमारे में कढ़ाई बोलते हैं वो करके, उसको जिमा देंगे। उसको सूंड मारना बोलते हैं और सूंड जिमाना बोलते हैं, क्योंकि ये भी हमारे घर के शगुन है ना सारे, ये भी हमारी रक्षा करते हैं, हमारे घर में हमेशा पॉजिटिव रहेगा इसके लिए। तो सभी थोड़े से फ्लावर के, जैसे अभी आजकल सब आर्टिफिशियल वगैरह हम वो लगाते हैं ना, स्वस्तिक वगैरह, तो पहले ऐसे नहीं था, पहले अपने हाथों से कुमकुम से हल्दी से बनाया जाता था। तो ऐसे तो ये शगुन होता है, अच्छा रहता है, घर में पॉजिटिविटी रहती है और अपना त्यौहार अपने दरवाजे से खुशहाली लेकर आती है, इसके लिए किया जाता है। तो कल मैं बताऊँगी आपको। चलिए अभी चाय पी लेते हैं। और जो मारवाड़ी होगा उनको तो समझ में आ जाएगा, वो लोग तो, हम लोग में तो ऐसा होता ही है,
और जो नई मारवाड़ी तो ऐसा होता है, आप लोग भी करिए, अच्छी बात है, ये तो अच्छा ही है, घर का अच्छा ही है किया हुआ, तो ऐसे तो कुछ नुकसान तो कुछ नहीं है। और जो नहीं भी करता हो तो करने में कोई हर्ज नहीं है, कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा रहता है ये, है ना। चाय तो पी के हो गया फ्रेंड्स, तो अभी पुताई तो मैंने कर लिया है वाइट सीमेंट से, बस अभी वो सूख गया है, तो अभी चलिए उसको अभी सून मार लेते हैं, ऐसे डिज़ाइन सा बना लेते हैं फ्लावर का वगैरह। मांडी फ्रेंड्स सारे सूंड, इसको सूंड मारना बोलते हैं। परिंडा के इधर भी हमें इसको मारना रहता है, हम लोग पानी पीते हैं ना, मेरे पितरों का वास रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी किया है, तो कल यहाँ पे जिमाएंगे, किचन में जिमाएंगे, मंदिर में। थोड़ी जगह नहीं है ना यहाँ पे, इतनी ही जगह है, ये दरवाजे पे किचन का दरवाजा है, और ये भी किचन का और बेडरूम का है, ये बेडरूम का, ये बाथरूम है। हमारे सारे दरवाजे पे लगाना रहता है, तुलसी वृंदावन है ये, तुलसी वृंदावन है ये, जैसे तुलसी खिलती है ऐसे हमारा घर भी खिलता रहे, वे ऐसे इसकी मान्यता रहती है। तो कुछ भी डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं, आपको जो आवे वो ही डिजाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये पापा जी का कमरे का है, बाहर मेन डोर पे दरवाजे पे, यहाँ पे ऐसे निकाला, थोड़ा जगह कम पड़ता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इतना ही है। तो ये मैंने दोपहर को सिम किया था पूरा, मैंने बहुत अच्छी तरह से पूरा ये मनाया मैंने, तुलसी वृंदावन, स्वस्तिक, हमारे में सूर्य का रहता है चिन्ह, वो ओम, सब शुभ चिन्ह बनाना रहता है। तो कल अभी हम इनको पूरा जो खाना बनाएंगे ना, एक राखी और जो नाल जो हम पहनते हैं ना, ये वाले मोली, वो इन सब से उनको जिमाना रहता है, मतलब ये भी हमारी रक्षा करते हैं ना, और घर में पॉजिटिव वाइब्स ही आवे हमेशा, तो ये हमें अच्छा वातावरण रहता है। तो ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो आज हमारे सारे जो भी मारवाड़ी घर होते हैं ना, उनमें ये ज़रूर बना हुआ रहता है, तो ये मैंने ऐसे बनाया है, हमारे हर बड़े त्यौहार में करना रहता है, आज से स्टार्ट हो जाता है रक्षाबंधन, फिर दिवाली, होली, इन दोनों बड़े त्योहारों में भी हमारे ऐसे सून मारना रहता है, दिवाली में भी करना रहता है, और होली पर भी करना रहता है, और रक्षाबंधन में। तो ये सून मार दी हमने, तो ये हमारे राजस्थान में ये ऐसा हमारा रिवाज है, इसको शुभ माना जाता है, तो इसको शगुन के है ना। आप लोग भी करिए, है ना, अच्छा ही है, तो क्योंकि इसको को भी भोग लग जाता है, दहलीज को भोग लग जाता है, और अच्छा शुभ रहता है घर में, मतलब अच्छा रहता है वातावरण भी, पॉजिटिव वाइब्स रहता है, तो ऐसा है। तो चलिए अभी डिनर बनाते हैं, डिनर बन गया है फ्रेंड्स, आज सिंपल सी आलू की सब्जी बनाया है, दूध रख दिया है गर्म जिमाने के लिए, पूजा भी हो गई है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में, ये वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो किसी भी रीजन से आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, कल मिलते हैं राखी वाले ब्लॉग में, तो ये मैं कल डाल दूंगी, तो राखी का शायद आपके पास परसों आएगा फ्रेंड्स, बस मेहंदी लगानी है अभी।